नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो कि है व्हाट इज SWOT एनालिसिस और व्हाट इज SWOT एनालिसिस। इसमें हम लोग पीपीटी के द्वारा सीखेंगे, सिंपल टर्म्स में हिंदी और इंग्लिश का यूज होगा। शुरू करते हैं। SWOT एनालिसिस। SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब कि SWOT में हर एक अक्षर का अपना अपना मतलब है। S का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज एंड T का मतलब है थ्रेट्स। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। मतलब इस एनालिसिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि भीतरी और बाह्य जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव पूरा करने में सहायक है या फिर असहायक है। फॉर अ बिजनेस टू एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई एंड सस्टेन इन द मार्केट, SWOT और SWOT एनालिसिस इज मस्ट। एक बिजनेस को मार्केट में एक्सपैंड, बढ़ाने और बचाए रखने के लिए मार्केट SWOT एनालिसिस एकदम मस्ट है। यूटिलाइजिंग SWOT बाय मैचिंग एंड कन्वर्टिंग। मतलब SWOT का इस्तेमाल किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग एंड कन्वर्टिंग, जहां पे मैचिंग इज यूज्ड टू फाइंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय मैचिंग द स्ट्रेंथ टू अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपके पास ऑलरेडी कुछ स्ट्रेंथ होंगी और मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, तो अपने स्ट्रेंथ को पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज के साथ मिलाना और उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना, इसी को मैचिंग कहते हैं। कन्वर्टिंग इज टू अप्लाई कन्वर्सन स्ट्रेटजीज टू कन्वर्ट वीकनेसेस और थ्रेट्स इनटू स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज। मतलब कन्वर्टिंग क्या है कि जो आपका वीकनेस है या फिर थ्रेट है जो आपके ऊपर, उसको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना। सो कन्वर्टिंग इज टू अप्लाई कन्वर्सन स्ट्रेटजीज टू कन्वर्ट वीकनेसेस और थ्रेट्स इनटू स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्सन स्ट्रेटजी इज टू फाइंड न्यू मार्केट्स। मतलब अगर आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है तो आप नया मार्केट खोजेंगे। हो सकता है आपके प्रोडक्ट में नहीं, मार्केट में ही डिफेक्ट हो। इफ द थ्रेट्स और वीकनेसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अ कंपनी शुड ट्राई टू मिनिमाइज और अवॉइड। अगर कोई थ्रेट है आपके ऊपर या फिर आपका कोई वीकनेस है और आप उसको किसी कन्वर्सन स्ट्रेटजी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उस थ्रेट और वीकनेस को मिनिमाइज और अवॉइड करने का। SWOT में चार चीजें थी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। इसको दो सेक्शन में तोड़ा गया है मैट्रिक्स की तरह। तो यहाँ देखिए, जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वही वीकनेस और जो थ्रेट है ये दोनों नेगेटिव एस्पेक्ट है SWOT के। और एक बात कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये इंटरनल चीजें हैं और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल चीजें हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका अपना चीज है, इसमें आप कंपनी अपने आप सुधार कर सकते हैं, दिस इज कंट्रोलेबल। वहीं पे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ में क्या क्या होता है? तो एक हम लोग का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, हमारे पास गुड कैपेबिलिटी हो सकती है, हमारा जो कंपनी है वो इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स हो सकता है, हमारी टेक्नोलॉजीज हमारी एडवांटेज हो सकती है, हमने जो हमारी जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, उसके एफर्ट्स हमारा स्ट्रेंथ हो सकते हैं, हमारा जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है, हमारा टेक्निकल स्किल हमारा स्ट्रेंथ हो सकता है। वीकनेस का बात करते हैं। वीकनेस क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए हमारी कंपनी पुरानी हो गई है, तो जो चीजें हम बना रहे, प्रोडक्ट मास जो है बिकेम ऑब्सोल्यूट, अब वो मार्केट में उतनी नहीं चल रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं हैज बिकम ऑब्सोल्यूट, वो पुरानी हो गई है, आदि मानव जमाने के हो गए हैं, बाबा आदि जमाने के। की मैनेजमेंट पावर जो है वो नहीं है, मतलब आप सेंट्रली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। की मैन पावर में नॉट बी देयर, हो सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट है उतना अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पास मैन पावर अच्छा नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी हमारी वीकनेसेस हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि वीकनेस होना, हैविंग वीकनेस इज नॉट अ बैड थिंग, द पॉइंट इज वेदर द कंपनी इज एबल टू ट्रेस इट्स वीकनेस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स और नॉट। मतलब आप में कमजोरी होना बुरी चीज नहीं है,
पॉइंट ये है कि कंपनी क्या अपनी कमजोरी ढूंढ पाती है और उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर ले पाती है कि नहीं, ये चीज नोट करने लायक है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज। एक कंपनी जो है कैन आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स, एक कंपनी नए प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। कंपनी कैन गो फॉर न्यू सेक्टर्स, वो नए सेक्टर में जा सकती है। कंपनी कैन गो फॉर न्यू ज्योग्राफी, नए जगह पर जा सकती है। कैन गो फॉर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बाई चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती है, अपना मार्केट एक्सटेंड कर सकती है। मान लीजिए उसी प्रोडक्ट को किसी और रीजन में ले जा सकती है। तो ये हुई अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स में पहला थ्रेट है पॉलिटिकल थ्रेट्स, आप जहां रहते हैं वहां का पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, लेजिस्लेटिव थ्रेट, आपको लीगल जो काम वाम है वैसा कुछ थ्रेट आ सकता है। इन्वायरमेंटल थ्रेट, आप जो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मानता है कि नहीं, एनजीओज हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी हैं, तो ये इन्वायरमेंटल थ्रेट है। उसके बाद टेक्नोलॉजी थ्रेट फ्रॉम द पार्टनर्स, आपका जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आपसे अच्छा टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज कर रहा। अगर अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो निश्चित है कि कस्टमर बेस को जो है उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये सब थ्रेट्स हो सकती है। यहाँ पे नोट करने लायक ये बात है कि हाउ द कंपनी टेक्स द एडवांटेज, टेक केयर ऑफ दीज थ्रेट्स एंड गो फॉर काउंटर एक्शन सो दैट थ्रेट्स आर मिनिमाइज। यहाँ पे थ्रेट है ये बड़ा बात नहीं है, इस थ्रेट का भी किस तरीके से फायदा उठा सकता है। आप अपने प्रोडक्ट का दाम कमा दीजिए, कोई ऐसा सेगमेंट ढूंढिए जिसमें आपका कॉम्पिटिशन जो है वो नहीं करता है वैसा, तो टेक केयर ऑफ दीज थ्रेट्स, और इसके लिए जो काउंटर एक्शन ले आना है ये एक बड़ा बात है। इस WOT एनालिसिस का तीन स्टेजेस है। पहला है कि आप जो है ये एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या परेशानी है, रिसर्च करेंगे, उसके बाद उन रिसर्च के हेल्प से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और उसके बाद वो जो कंक्लूजन निकले उससे आप स्ट्रेटेजिक एक्शन लेंगे, उसको जो है कंक्लूजन्स को ट्रांसलेट करेंगे इनटू स्ट्रेटेजिक एक्शंस, प्लान करेंगे कैसे क्या करना है और करेंगे। इस WOT एनालिसिस करने का एडवांटेजेस क्या है? पहला है कंसोलिडेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मिनिमाइजेस वीकनेसेस, वीकनेसेस घटा देता है, हेल्प्स टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। आप चूंकि SWOT कर रहे हैं, आप मार्केट में नया क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये देख रहे हैं। मिनिमाइजेस थ्रेट, आप जो पॉसिबल थ्रेट है उसको तो देख रहे हैं और उसका काउंटर मेजर भी बना ही रहे हैं, तो SWOT करने से थ्रेट मिनिमाइज हो जाता है। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, आप थ्रेट एनालाइज किए, कंक्लूजन ड्रॉ किए, उसके बाद आप तो स्ट्रेटेजिक एक्शन लेंगे, प्लान बनाएंगे, तो प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट्स ऑल्टरनेटिव चॉइस, आप जो है नए अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव चॉइस को भी फैसिलिटेट करता है। यू विल नेवर रन आउट ऑफ चॉइसेस, दिस SOWT मेक्स योर्स ऑफ। हेल्प्स टू इनोवेट, आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहता है SWOT। आप देखेंगे कुछ कमी है, क्यों नहीं कस्टमर बेस हमारा बढ़ रहा है, हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां पे SWOT एनालिसिस जो है हेल्प्स यू टू इनोवेट, इंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेस। आपका सर्वाइवल जो है मार्केट में आप बने रहेंगे ये निश्चित करता है, आपका सक्सेस निश्चित करता है SWOT। अब हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। निर्मा जो ब्रांड है घड़ी, निर्मा डिटर्जेंट जो है, निर्मा बार होता है, साबुन होता है, इसका SWOT एनालिसिस देखेंगे। इसका स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, मतलब इसको लोग जानता है, हर जगह जानता है, तो इसका ब्रांड इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग है। निर्मा इज अ ₹17 बिलियन अम्ब्रेला ब्रांड offering consumers a brand portfolio of products at a multiple price points in detergents, soaps and personal care market. मतलब अभी currently 17 billion का umbrella brand है ये इंडिया में, ठीक है, और multiple price point में महंगा सस्ता detergent बेचती है इंडिया में। Market leadership in detergents and fabric wash, detergent और fabric wash में market leader है। Second largest player in toilet soaps, नहाने वाला जो साबुन होता है उसमें second largest player है, और wide distribution network है। आप गांव गांव में चले जाइए, आपको कहीं भी दूर दराज इलाकों में भी निर्माण डिटर्जेंट, निर्मा साबुन मिल जाएगा। Its strategy of rural marketing is its unbeatable strength, इसको अभी तक इसीलिए कोई नहीं हरा पा रहा है क्योंकि इसका रूरल मार्केटिंग जो है वो काफी स्ट्रांग है ना, इसका रूरल मार्केटिंग काफी स्ट्रांग है। इसका वीकनेस क्या है? वीकनेस है कि हाई इंटरेस्ट बर्डन, कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए लोन, उसको बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, अब वो इंटरेस्ट बर्डन काफी है। लेस प्रेजेंस इन प्रीमियम सेगमेंट, जनरली निर्मा लो प्राइस सेगमेंट रखती है, तो इसको प्रीमियम सेगमेंट में जो अमीर लोग हैं लग्जरियस चीज के तौर पे इसको नहीं लिया जाता है। लैक्स ग्लोबल टाइप, ये बाहरी देशों के कंपनी से इसका टाइप नहीं है, ये कीप टू योर सेल्फ कंपनी टाइप ऑफ है, इस वजह से एक्सपोर्ट मार्केट्स में ये टैप नहीं कर पा रही है, मुश्किल हो रहा है इसको करने में, तो ये सारी इसके वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अब वीकनेस को एनालाइज करने के बाद पता चला कि
कंपनी अभी भी एक्सपोर्ट में उतनी अच्छी नहीं है, एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकती है। और क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्विजिशन फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, मतलब जो दूसरी छोटी कंपनियां हैं जो कहीं कहीं इसको टक्कर दे रही हैं, उन सबको खुद एक्वायर कर लेना, एक्विजिशन कर लेना, ताकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाए। एंट्री इन टू अदर कैटेगरीज लाइक शैम्पूज, टूथपेस्ट एंड फैब्रिक व्हाइटनर। और भी जो कैटेगरीज है जो डोमेस्टिक यूज की, जैसे कि शैम्पूज हैं, टूथपेस्ट है, फैब्रिक व्हाइटनर्स है, इसमें एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी निर्मा के पास है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स ये है कि अब इंडिया जो है बाहरी मार्केट के लिए खुल गया है, तो एमएनसीज आर अप्रोचिंग इंडियन मार्केट्स, तो बाहरी कंपनी टेक्नोलॉजिकली भी आगे हैं और उनका टीम भी बड़ा है, तो वो इसको ओवरटेक कर सकती है। इमर्जेंस ऑफ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर, वही बोले कि रीजनल प्लेयर में कुछ कुछ छोटी कंपनियां हैं जो कि इसको अच्छा खासा टक्कर दे रही हैं, तो उनको एक्विजिशन कर सकता है, इस थ्रेट को ऐसा निपटाया जा सकता है। ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर, जो बड़ा बड़ा ये प्रीमियम सेगमेंट में नहीं घुसा है, तो वहां पे ब्रांड नेम जैसे कि एक्सेल है, रिन है, ये सब इसको टक्कर देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए था, आपको एक बार किताब में जाना पड़ेगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होंगे। रिवाइज करने के लिए आप यहाँ फिर लौट सकते ही हैं। और यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या आपके सिलेबस में फ्लूइड, थर्मो ये सब है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं फॉर्मूला रिविजन वीडियो बनाता हूँ, और भी कुछ कॉन्टेंट है जो आपके लिए काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।